इंडियन टीम पहुंच गई है नंबर वन के पायदान पर, द बेस्ट ओडीआई टीम इन द वर्ल्ड। और मुकाबला किससे है? अब वेस्ट इंडीज से है मुकाबला, ओल्ड ट्राफर्ड के मैदान पर। कैस्ट्रोल एक्टिव प्रेजेंस हैशटैग आकाशवाणी एंड डिजिटल स्पोर्ट्स रेडियो पार्टनर इस स्पोर्ट्स फ्लैशेस। ओल्ड ट्राफर्ड के मैदान पर हूं मैं, और ये पीछे लिखा ना गुड इंडियन फूड, यही खाने का मेरा मन है एक्चुअली। ये मैं कल खाना चाहता हूँ, यहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी। मैच वैसे ना इंग्लैंड में अगर आप आके देखो ना, मजा बड़ा आता है। ये पूरा एरिया ऐसे तब्दील कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको भारतीय फैंस नजर आने वाले हैं, थोड़े से वेस्ट इंडियन भी होंगे लेकिन ज्यादातर नीला ही दिखेगा। और इस मुकाबले से क्या की जा सकती है उम्मीद? देखिए, मुकाबला एक भी भारत अभी तक हारा नहीं है, आप लगातार जीत के यहाँ पे पहुंचे हैं। एक मैच बारिश की वजह से धुला था, अगर आप ये मुकाबला जीत जाते हैं तो आप समझ लीजिए एक कदम उस सेमीफाइनल के और करीब पहुंच जाएंगे। और मेरी तो वैसे जो पर्सनल मतलब थोड़े से लालची है ना, हम ये कहाँ चाहते हैं कि सिर्फ सेमीफाइनल में पहुंचो, हम तो ये चाहते हैं कि आप ये जीते हैं, फिर अगले मुकाबले जीते हैं और पहुंच जाएं सीधा नंबर वन के स्थान पर, ताकि वो नंबर चार पे जो टीम है उससे आप खेलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे पीछे मुड़ के देखना होगा, कुछ सीखना पड़ेगा। वो ये था कि अफगानिस्तान के साथ मुकाबला था साउथहैम्पटन में, वहां पर आप थोड़ा सा फंस गए स्पिन के सामने, स्पिन ने एक जाल बुना और आप एक के बाद एक उसमें फंसते रहे। 34 ओवर की स्पिन में सिर्फ 119 रन बनाए, 5 खिलाड़ियों को हमने गवा दिया। तो वहां से क्या सीख मिली? वहां से ये सीख मिली कि नंबर वन टीम है ना, तो नंबर वन टीम की तरह खेलना होगा, थोड़ा पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलना होगा। सामने जो वेस्ट इंडीज की टीम है उसमें ग्रे रस नहीं है, आंद्रे रसल अब इस टीम का हिस्सा नहीं है, तो थोड़ा सा दे बिन पैक्ड बैक। लेकिन वो क्या करते आए हैं अब तक, उनका टेम्पलेट रहा है फास्ट बॉलर्स आएंगे और दबा दब बाउंसर लगाएंगे, चाहे फिर वो ओशेन थॉमस हो या कीमा रोच हो, उनके चलते खूब सारी बाउंसर आपकी तरफ आएंगे, उसके लिए तैयार रहिए। शेल्डन कॉटरल आगे की तरफ गेंद डालने का प्रयास करेंगे, जेसन होल्डर बिल्कुल सही ठिकाने पे डालेंगे। वैसे जैसी ये पिच है ना, मुझे लगता है कि यहाँ पे वो एशली नर्स या फैबियन एलन में से किसी एक को जरूर खिलाएंगे। थोड़ी सी आपको स्पिन देखने को मिलेगी वेस्ट इंडीज की तरफ से। अब इंडिया की करते हैं बात, क्या कुछ बदलाव की है गुंजाइश? मुझे लगता है देखिए टॉप ऑर्डर में तो कोई गुंजाइश मुझे नजर आती नहीं है। इनफैक्ट केएल राहुल जस्ट प्ले अ बेटर शॉट, मतलब स्टार्ट अच्छा मिल गया था। 30 को 100 में तब्दील आप कर सकते थे, इस बार कर देना, क्योंकि वैसे मैदान वही है जहां पे आपने अर्धशतक जड़ा, पाकिस्तान को हराया, शतक जड़ा था रोहित शर्मा ने भी, तो उन दोनों से मुझे बहुत उम्मीद है बड़ी पारियों की एक बार फिर, और विराट कोहली का शतक अभी भी हम कर रहे हैं इंतजार, तो होपफुली उनका भी शतक हम यहां देखने को मिल जाएगा हमें। विजय शंकर रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि क्या है कि अभी तक अच्छा अच्छा थोड़ा सा ट्रेलर देख रहे हैं हम, लेकिन अगर पूरी पिक्चर दिखी नहीं ना तो उतना कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। मैं उनको खिलाऊंगा, मैं अभी ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक की तरफ बिल्कुल नहीं देखूंगा। आप केदार को देखिए, उसके बाद धोनी होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे। अगर आपने 15 ओवर संभाल लिए, तो बाउंसर का जो आपका ट्रैप रहेगा उसको अगर आपने संभाल लिया, नेगोशिएट कर लिया, तो 350-350 बना सकता है भारत, ये मेरा मानना है। पिच बहुत सपाट दिखी है मुझे, एकदम ब्राउन कलर की है, और बैटिंग विन द टॉस बैट फर्स्ट वाली ये पिच है। गेंदबाजी में शायद एक बदलाव की गुंजाइश है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि भूवी ने बॉलिंग तो बहुत की है, शामी ने भी अच्छी बॉलिंग की है, भूवी इज फिट एंड अवेलेबल, तो फिर क्या करोगे? क्या भूवी के पास जाओगे क्योंकि वो आपकी ओरिजिनल चॉइस थे, या फिर आप शामी के पास जाओगे क्योंकि पिछले मैच में हैट्रिक ली थी? मैं तो वैसे शामी की तरफ जाऊंगा, मुझे लगता है कि शामी को खिलाना चाहिए क्योंकि वो बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं। नॉट जस्ट कि उन्होंने हैट्रिक ली, हैट्रिक तो ली है, लेकिन मैं उनको खिलाना चाहता हूँ। कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर कौन हो सकता है? देखिए, बुमराह वर्सेस गेल का बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा, तो वो बुमराह जीतेंगे मुझे ऐसा लगता है। शे होप अगर अच्छा करेंगे तो वेस्ट इंडीज अच्छा खेलेगा, लेकिन कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर मैं भारत की तरफ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ इस मैच में रोहित शर्मा की तरफ, मैं चाह रहा हूँ कि रोहित शर्मा अच्छा खेले, एक और शतक जड़े, तीसरा शतक हो जाए उनका इस टूर्नामेंट का। जीत कौन सकता है? नो पॉइंट ना, मेरे को लगता है कि इंडिया जीतेगा यार, इंडिया जीतेगा, इंडिया अनबीटन रहेगा इस मैच के बाद भी, और नंबर वन के पायदान पे जाके फिनिश करेगा जब ये लीग फेज होगी खत्म। तो मेरा तो ये मानना है, आप लोग को क्या लगता है? कुछ अलग लगता है आपको? फिर वो जो कमेंट का सेक्शन है ना, भर दो यार, बताओ कि आपको क्या लगता है मैच प्रोटेक्टर कौन हो सकता है, क्योंकि अगर वो आपको कुछ जीतना है तो फिर हैशटैग कैस्ट्रोल मैच प्रोटेक्टर जाओ फेसबुक के पेज पे, यू नो द ड्रिल गाइस, डू इट फटाफट से, और जीतने के लिए आप तैयार हो जाइए। अगर विराट की जगह कोई और बनते हैं, फिर विराट को ही आपने अगर प्रेडिक्ट किया हो, तो वी शैल फाइंड आउट। बट देन 3 चीयर्स फॉर टीम इंडिया, नंबर वन ओडीआई टीम इन द वर्ल्ड। उम्मीद है कि इस मुकाबले में खेलेंगे एकदम नंबर वन टीम की तरह।